हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जी, हमारा आज का न्यू आई मेकअप है और ये थोड़ा सा स्मोकी फंकी आई शेडो मेकअप ट्यूटोरियल है, तो ये बड़ा मज़ा आया मुझे करने में। सो वैसे ये मतलब क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा चेंज मैंने लुक किया है, थोड़ा सा आई शेडो को मैंने जो है वो अप्स एंड डाउन किया है इसमें, तो ताकि थोड़ा सा फंकी लुक लगे। सो ये बहुत ही आसान है करना, अगर जो है आप ट्यूटोरियल मेक करने के लिए करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो मैंने जो वाटर लाइन में जो कलर है बहुत प्यारे से अप्लाई की है। सो मैं अपने फेस को रोज़ वाटर से जो है वो मॉइस्चराइज कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने अपनी आईब्रो को नीट करना है। सो उसके बाद यही मैं एज़ अ यूजल जो है क्रायलॉन की नंबर 36 आई बेस में अपनी आई पर मेक कर रही हूँ, अपनी क्या इसकी बेस बनाने के लिए। उसके बाद इसको मैंने फेस पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से किसी भी चीज़ से इसको फिक्स कर लेना है। सो हमारा आई मेकअप के लिए आईज़ की बेस है वो रेडी है। सो उसके बाद इसमें जो ये जो कलर है, मैंने थोड़ा सा मैरून और ब्राउन शेड है वो वाला लिया है, उसको मैं अपनी आईज़ की कॉर्नर पर जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। दोनों आईज़ पर मैंने इस तरह से कॉर्नर को ब्लेंड कर देना है। अच्छा, इनर से स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद ये डार्क ब्राउन शेड है, ये शेड जो है वो मैट फॉर्म में है। इसको मैंने जो मैं इससे पहले वाला फर्स्ट आई शेडो था उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, ये स्मॉल वाले ब्लेंडिंग जो ब्रश होता है उससे कर रही हूँ। फिर ये ब्लैक शेड लेना है आई शेडो पैलेट में से, आपकी किसी भी आई शेडो पैलेट में मौजूद होगा। उसके बाद इसको इनर कॉर्नर पर बहुत ही स्मॉल राउंड शेड में इसको करना है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर इसको आउटर इनर दोनों तरफ ले जाना है। ये देखें आप, ये भी इसी तरह से सेम हम दूसरी आई शेडो पर अप्लाई आई पर अप्लाई करेंगे। फिर ये गोल्डन वाला शेड लेना है, ये गोल्डन शेड आपने ब्रश से लिया, उसके बाद हमने इसको इनर से अप्लाई करना है। अच्छा, हमने इनर कॉर्नर पर ब्लैक वाला जो आई शेडो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लिया था, ये देखिए इसको हमने आई बॉल तक ले आना है इस तरह से। ये करने के बाद जो है नेक्स्ट वाली हम आईज़ पर भी करेंगे। फिर ये ब्लू आई शेडो लेना है और उसके बाद इसको सेंटर वाली जगह की आई बॉल होती है उसके ऊपर लगा लेना है। और इसको जो कॉर्नर वाला शेड है ब्लैक, ये मैंने ब्लैक शेड लिया, उसके साथ ब्लू को उसके साथ ब्लेंड कर दिया है दोनों आईज़ पर, ये देखें। सो उसके बाद ये वाला जो ग्लिटर है, ये चंक्स ग्लिटर है जो क्रीमी फॉर्म में जेल फॉर्म में है, इसको मैंने ब्रश से लिया है और जो ब्लू वाला शेड मैंने अप्लाई किया था अपनी आई बॉल पर उसके ऊपर जो है मैंने इसको हल्के हल्के टैप करके लगा लेना है। ये देखिए दोनों आईज पर इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है। फिर मैं ब्राउन शेड लूँगी, ब्राउन के बाद ब्लैक लेना है। ब्राउन और ब्लैक को जब हमने वाटर लाइन पर जो आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड करना है। फिर ये आई शेडो पैलेट में से सी ग्रीन शेमर वाला शेड लिया है, इसको मैं ब्लैक और ब्राउन जो था उसके साथ में इसको ब्लेंड कर दूँगी। अच्छा, इनर कॉर्नर पर ये शेड थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना है, आउटर पर थोड़ा कम लगाना है। फिर ये बीबी क्रीम ले रही है एज़ यूजल। उसके बाद ही मैं अपनी जो है बेस बना रही हूँ, फेस पाउडर अप्लाई करूँगी आप कॉम्पैक्ट वाला। अच्छा, मैं मैटिफाइंग का यूज़ करती हूँ तो उससे मेरी बेस बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही नीटली और स्मूथ और बिल्कुल क्लियर होती है। उसके बाद हम अपनी अंडर आई को नीट करेंगे। फिर ये इसको मैंने फिक्स कर लिया था अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज़ पाउडर से। वैसे मैं इस बार मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, लूज़ पाउडर तो मैंने वैसे इस बार यूज़ नहीं किया। उसके बाद ये हाशमी वाला काजल है, ये मैं अपनी आई पर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ये मिस रोज़ का चॉकलेट ब्राउन शेड है, ये इससे पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। सो इससे मैं अपनी आउटलाइन मेक करूँगी, उसके बाद मैं इसको जो ब्रश में रह जाता है थोड़ा सा कलर जो है उसी से मैं अपने लिप्स को ब्लेंड कर दूँगी, तो मेरा जो है वो लिपस्टिक का जो शेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। सो हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये मेकअप आपको मज़ा आया होगा। थोड़ा सा फंकी लुक था, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा आज मूड है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी। सो आई होप कि ये मेकअप देखने में आपको मज़ा आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।